हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बनाने वाले हैं शेजवान फ्राइड राइस, तो चलते हैं इसके मेकिंग के प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। अब इसमें हल्का सा एक बॉईल आते ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सारे चावल इसे ऐड कर देते हैं और इसके एक बॉईल आने का वेट करते हैं। तब अच्छे से एक बॉईल आ चुका है। चावल को हमें इसे 70% पकाना है, तो ये रेडी है। तो स्ट्रेनर की मदद से हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और ड्राई होने के लिए साइड में रख देते हैं। कढ़ाई में हम 4 चम्मच तेल ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखना है। तब तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम 8 बारीक कटे हुए लहसुन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन के वाइट्स ऐड कर दें। 1 बारीक कटा हुआ कांदा ऐड कर दें और इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 30 सेकेंड्स के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर ऐड कर दें, 1/2 शिमला मिर्च ऐड कर दें और 1/2 कप पत्ता गोभी ऐड कर देंगे हम इसमें। सब्जियों को हम 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। इसे आप ऐसे चलाते रहें। 3 मिनट बाद हम इसमें कांदा पत्ता ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। अब सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लें वापस से। तो सब्जी हमारी रेडी है, तो चलते हैं इसमें सॉस ऐड करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 बड़े चम्मच शेजवान चटनी ऐड किया है, 1.5 चम्मच सोया सॉस, 1.5 चम्मच केचप, 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस, शेजवान फ्राइड राइस मसाला 2 बड़े चम्मच, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच विनेगर ऐड कर दें। सॉस को अब हम अच्छे से पका लेंगे। तो जब तक इसका ऑयल पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता, हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो अब ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देती हूँ, तो ये पार्ट आप ऑप्शनल इसे स्किप कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी रेडी है, तो अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो जो हमारा बॉइल्ड राइस था हम इसमें ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी हमारा फ्राइड राइस रेडी है, तो चलते हैं इसकी प्लेटिंग के प्रोसेस में। राइस को हम ऐसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करेंगे, साथ ही में इसके अब हम मंचूरियन भी सर्व करेंगे। तो मंचूरियन बनाने की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की शेजवान फ्राइड राइस विद मंचूरियन ग्रेवी की रेसिपी। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।